खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। चंदनकियारी प्रखंड के कालिकापुर पंचायत के कालिकापुर गांव के गोप टोला एवं अंसारी टोला के सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों ने पंचायत के मुखिया पर अगवा आवास योजना में भ्रष्टाचार करने एवं मनमानी रूप से ग्राम सभा कर कच्चा मकान के नीचे रहने वाले गरीबों की नाम हटाकर पंचायत के संपूर्ण लोगों का नाम चढ़ाकर अगवा आवास का लाभ देने के आरोप लगाया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने मुखिया के विरोध में नारेबाजी किया। वहीं महिलाओं ने अपना कच्चा मकान को दिखाते हुए कहा कि अगवा आवास योजना में हम सभी का नाम चढ़ा हुआ था, लेकिन पंचायत के मुखिया द्वारा बिचौलियों के माध्यम से पैसे की मांग की जा रही थी। पैसा नहीं देने पर मुखिया द्वारा गरीबों का नाम को ग्राम सभा से हटा दिया गया। मुखिया केवल अपनी ही जाति के लिए काम कर रहा है। वही प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी ने कहा कि मुखिया गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। पंचायत के 864 लाभुक के नाम एंट्री कराया गया था, जाँच के बाद 409 लोगों का नाम बचा, लेकिन पंचायत के मुखिया ने गरीब के साथ अन्याय कर कच्चा मकान के नीचे रहने वाले लोगों की नाम ग्राम सभा से हटाकर केवल अपने ही परिचित 182 लाभुक के नाम को ग्राम सभा में चढ़ाकर प्रखंड कार्यालय भेज दिया है। इसकी शिकायत वीडियो डीसी से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक किए हैं। गरीबों के साथ हम खड़े हैं, गरीबों के न्याय को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में पंचायत गुरुपदो महतो ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अगवा आवास योजना की ग्राम सभा किए हैं, लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। हमरा का घर देले नहीं सेटा गे ना हमरा कोई गरीब दुखी लोग है किए फिर हमरा नाम आइ ले तखन पैसा मांग ले तखन हमरा पैसा नहीं देलिए तखन हमरा गन्नी आइली तो तारा अगवा आवास फॉर्म भरल ले हां भरल लिए गरीब लोग खाटी खाए तो पैसा देवे ना पेट पसंद पैसा देवे मुखिया जी हाँ पैसा लोग लगा लोग लगा के कहा कर घर पढ़ाई लो तोरा पैसा खोज तक पैसा नहीं दिलिए तक हमारा गन्नी अली नाम कटाई गेलो कटाई गेलो प्लास्टिक टांगा है घर। आज आप लोग जो विरोध कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? बेटा को अपने लेके अपना लेके हाँ प्लास्टिक घर है पानी चूता है घर नहीं है। मुखिया के बोला तो को हाँ आ जाएंगे वीडियो साहब आएंगे चंदन कार्य से आएंगे कुछ भी नहीं आए हैं। घर नहीं मिला आपको? नहीं नहीं मिला है नहीं मिला है। चलिए अब साथ में देख लीजिए घर। तो मुखिया से अगवा आवास का मांग नहीं किए? नहीं नहीं मांग किए हाँ बोले हम घर दीजिए हम लोग एक तो घर पानी चूता है घर में कपड़ा सब भीन जाता है बच्चा लोग खाने में फॉर्म भरे थे हाँ भर लिए हैं फॉर्म दे दिए तो अभी मुखिया क्या बोल रहे हैं आपको? मुखिया बोले से हम आएंगे चंदन कह रहे से वीडियो आएंगे। अच्छा तो आया वीडियो? हाँ आएंगे वैसे बोला तो कोई नहीं आएंगे झूठ बोलता है कोई नहीं आएंगे कोई नहीं आया नहीं। तो आपका नाम कट गया आपको कैसे पता चला? 183 हमारे योग्य लाभुक हैं वो लिस्ट पर है और जो टारगेट सरकार दी है हमारे पंचायत में 46 टारगेट दिए हैं और 46 में ही योग को ही हम लोग चयन करने का कोशिश करके और चयन भी किए हैं और उसमें यदि त्रुटि कहीं एक दो होगा हो सकता है उसको भी देख के अभी किसी को कोई शिकायत यदि कर रहा है तो शिकायत का एक थोड़ी सी बात इसको समझना होगा आपको कि अभी टारगेट 46 है और हमारे पंचायत में योग करीब करीब 140 है तो स्वाभाविक रूप से वो छूटना ही है और हमारे ग्राम सभा कॉपी को दरकिनार कर या इसके लिए हम उपायुक्त महोदय से भी मिले थे हमने बताया कि सर जो हम लोग योग्य लोग है ग्राम सभा में हम लोग उसका नाम अंकित करके ग्राम सभा कॉपी हम लोग वीडियो ऑफिस में जमा किए पर हमारे जो दिए गए ग्राम सभा का कॉपी है उसको अमान्य करके वो लोग अपना स्तर से कंप्यूटर वाले हो
या टेक्निकल वाले जो भी है वो लोग अपना मन मुताबिक अपना नाम दिया है, इसलिए इसमें ईमान कर रहे थे पैसा हो सकता है, हो सकता है कोई मेरा नाम बदनाम करने के लिए हो सकता है, इसको हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं, पर वैसे व्यक्ति यदि प्रूफ देगा तो ठीक। तो ऐसा बेबुनियाद बेबुनियाद आरोप लगाना उचित नहीं है जो भी कर रहे हैं। मुखिया बोलो तुम्हारा घर पावे नाम अच्छे पंचायत साइड घर अच्छे से घर गल एक आलो ना सब काटा गल मुखिया मांगे पैसा मांगे हमारा गरीब लोग हमारा कथा पाब घर जल छुछे तो कौन डेब हमारा मुखिया मुखिया के बोले बोले हमारा थे गली तब मुखिया बोल हाँ हो गया होबे और मुखिया खाली टका मांगे तो हमारा गरीब लोग हमारा कथा पाए हाँ कथा पाए दीब हमारा 20,000 टका 30,000 टका हमारा घर खुजी हमारा इंद्रावास खुजी हाँ मुखिया देखा कर मुखिया बोल हाँ हो गया हाँ अरे तो नहीं सब मुखिया काटो दिलो जमा करो कौन दिछो ना मुखिया बोलछे बोलछे हमरा ई करबो ना कत लोग रासा ना खाली बोलछे माता लोग माता के दिबो गोप के गोप के दिबो ना छोटा जात के दिबो माता मुखिया बड़ साइड बसी माता के छोटा जात के दिबो खाली माता ना अनसारी आ पावे अनसार के छु पावे गोप तो एकदम ही पाछे ना माता का टायर बसान दिलो घर है गोपे तो एकदम ही पाइलो ना गोपे को पाइलो देखिए मेरा चंदनकारी प्रखंड अंतर्गत ये मेरा कालिकापुर पंचायत जो है ये बंगाल बॉर्डर में पड़ता है और यहाँ के जनता ब्लॉक तक जा नहीं पाते हैं। यहाँ आप तो देखें आप लोग तो खुद आए और आप लोग देखें कि हमारे कालिकापुर में कितने गरीब जनता है और कितना घर टूटा हुआ है। शायद आपको ऐसा पंचायत नहीं मिलेगा कि मेरा कालिकापुर में जितना घर टूटा हुआ है। सरकार एगो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आई थी, हम लोग को आशा जगा था। हम एक प्रखंड प्रमुख होने के नाते मैं हर कैंप में जाता था और वहाँ लाभुक हम लोग का कनकचास में पंचायत भवन मेरा कालिकापुर में है, लेकिन मुखिया का मनमानी से अगला बार शाखाकुड़ी में वो कैंप लगाया। सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा इस बार वो कनकचास में लगाया, लेकिन हमारे कालिकापुर के जनता पूरे पंचायत के जनता जा करके कनकचास में सुबह 4 बजे से लाइन लगा करके 6 बजे तक इन लोग फॉर्म जमा किए हैं कि हम लोग को आवास मिलेगा। और आवास इन लोग को 864 को ऑनलाइन भी हुआ, 864 को ऑनलाइन होने के बाद यस नो हुआ, घर घर में जाके कमेटी बनी, ब्लॉक में प्रखंड कमेटी बनी, पंचायत में पंचायत का कमेटी बनी, पंचायत कमेटी में मुखिया वार्ड मेंबर्स और ग्रामीण के 2-4 आदमी रह करके सरकार द्वारा निर्देश था गाइडलाइन था कि जिसका घर नहीं है उसको सरकार घर देगी। तो हमारे पंचायत में आपको देखें ऊपर से लेकर के नीचे तक कालिकापुर जहां भी जाइएगा आपको टूटा हुआ फूटा हुआ घर मिलेगा। 2-4 गो घर हमारे पीएम आवास प्रधानमंत्री जी का कृपा था कि 2-4 गो आवास हमारे यहाँ हुआ है। अब वो आवास में हम लोग को आशा जगी थी कि हमें अपने पंचायत को जनता को कुछ घर दिला पाएंगे, उसीलिए हम लोग 864 को ऑनलाइन किए थे। 864 को ऑनलाइन करने के बाद 609 को हम लोग IS9 हो करके खड़ा हुआ, उसका बाद उसको भी काट करके 409 में आया, उसमें भी 200 मुखिया का मनमानी हो या हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी का मनमानी होने के कारण 409 को आया। अब पंचायत से प्रखंड स्तर से वीडियो हमारे प्रखंड के वीडियो द्वारा बोला गया कि आप लोग ग्राम सभा करके दीजिए, तो ग्राम सभा का मालिक मुखिया होता है, मैं प्रखंड के प्रमुख हूँ और ये मेरा ही पंचायत है। मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा मुखिया किसी पंचायत में नहीं मिले और ऐसा मुखिया मनमानी करके हमारे कालिकापुर के जनता का ऊपर विश्वासघात किया है। इसका जवाब आने वाला दिन हमारे जनता देंगे और यहाँ के जनता पूरे आक्रोश में है कि हमारा घर को काट करके वो जिसका घर नहीं मिलने का योग्य आदमी है उसको जा करके दे दिया। यह होने के नाते यदि नहीं मिल रहा है तो आगे क्या किया? आगे हम तो आंदोलन किए हैं, हम मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखे हैं, हमने ग्रामीण विकास मंत्री महोदय को लिखा है, हमने उपायुक्त महोदय को लिखा है। आप लोग देखे हैं, आप लोग तो मीडिया हैं, प्रखंड में आते जाते रहते हैं और आप लोग संविधान के 4th स्तंभ पर हैं। मैं आप लोग से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे कालिकापुर पंचायत के गरीब जनता को लाभ दिलाने का काम सरकार करे,
फिर से यहाँ पुनः सर्वे करा करके घर घर में जा करके सर्वे करा के गरीब जनता जो छूटा हुआ है उसको आवास मिले। और यहाँ जातीयता की सवाल उठ रही है, गोप और अंसारी लोग कह रहे हैं कि मुखिया केवल अपने महतो लोगों को लाभ देने में लाभान्वित कर रहे हैं, लोगों को अन्य लोगों को वंचित कर रहे हैं, क्या है जातीयता का कहीं से न्याय है? इस पर आप न्याय दिला पाएंगे कि नहीं? प्रमुख साहब प्रखंड के प्रमुख है। देखिए जो मुखिया जनप्रतिनिधि होता है उसका कोई जात नहीं होता है, सब जात को लेकर के सभी धर्म को लेकर के चलना हमारा कर्तव्य है। हम आज हमारे कलिकापुर के जनता हमको आज 3 बार चुन के भेजे हैं और आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रखंड हमारे कलिकापुर पंचायत के जनता हमको 3 बार आज पंचायत समिति, पहले मैं रहा, मेरी वाइफ को अगला बार जिताई वो प्रमुख रही, वो भी प्रखंड में निर्विरोध रही, इस बार हमको जिता करके यहाँ से प्रखंड तक भेजा, हम भी निर्विरोध रहे। लेकिन ये मेरे कलिकापुर जनता के आशीर्वाद है और मैं इन लोग के लिए सड़क से सदन तक लड़ूंगा और इन लोग को घर दिलाने का काम करूंगा। अब वो आवास में वसूली करने के लिए भेजा था बिचौलिया को, बिचौलिया को पैसा नहीं दे पाए, गरीब तो गरीब का नाम को समय हट दिया गया, हटा दिया गया। देखिए मुखिया हमको सुनने में आ रहा है कि वो कोई दलाल अपने हर गांव में रखा है और दलाल का माध्यम से उगाही करता है, तो मैं आप लोग का माध्यम से मुखिया को सचेत करना चाहूँगा कि यहाँ दलाली न चली है न चलने दूंगा। इसके पूर्व में भी हम लोग के मुखिया जी थे, 2 बार वो मुखिया रह चुके हैं, गुनाधर जी, उनके पत्नी सुभद्रा जी, हमारे पंचायत में 1 पैसा ना किसी गरीब जनता से लिए हैं और ना कभी लिए थे, ना हम लोग आज कोई जनता हमारे बीच में है, कोई बता, हम प्रमुख हैं, हम पंचायत समिति हैं, मेरा जनता हमारे पीछे है, सभी माँ बहन मेरे पीछे हैं, इन लोग कह सकता है कि आज तक प्रमुख 1 पैसा भी किसी से हम नहीं कहते, कोई नहीं हमको कह सकता, लेकिन हम लोग मेरा पंचायत में ये गलत किया है और गलत का परिणाम भुगतने के लिए हमारे मुखिया रेडी रहे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे।